हे एवरीवन, आज का टॉपिक है फ्रेंच प्रेशर सेल्फ प्रेस। तो ये होता क्या है? इसके अंदर हम फ्रेंच प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है फ्रेंच प्रेस का। ये जो एरो है यहाँ पे, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस एरो इंडिकेट्स दैट कि दिस एरो, तो गाइस ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? यारो ये इंडिकेट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द पिस्टन बाय हाइड्रोलिक रैम। जो हाइड्रोलिक रैम है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? द फ्लूड कंप्रेस्ड बाय पिस्टन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एस्केप बाय रबर ओ रिंग एट इट्स लोअर एंड। तो द फ्रेंच प्रेशर सेल प्रेस और फ्रेंच प्रेस इज एन अपैरेटस यूज्ड इन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट टू डिस्टर्ब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। तो फ्रेंच प्रेशर सेल प्रेस और फ्रेंच प्रेस एक अपैरेटस होता है जो कि बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन में यूज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी? सेल की। अब इसको डिस्टर्ब कैसे करते हैं? बाय पासिंग देम थ्रू ए नैरो वॉल्व अंडर हाई प्रेशर। द फ्रेंच प्रेस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, होमोजीनियट्स ऑफ एनिमल टिश्यू एंड अदर बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। इट इज कैपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग सेल वॉल्स बाय लीविंग द सेल न्यूक्लियस अनडिस्टर्ब। ये सेल वॉल्स सेल मेम्ब्रेन को तो डिस्टर्ब कर देगा प्रेशर से, लेकिन सेल न्यूक्लियस को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। और फ्रेंच प्रेस जो इन्वेंटेड किया था, चार्ल्स डे फ्रेंच ने। और इसके बाद जो प्रेस हम करते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोलिक पंप का यूज़ करके टू ड्राइव ए पिस्टन विद इन ए लार्ज सिलेंड्रिकल डेट कंटेन्स द लिक्विड सैंपल। उस सैंपल में लिक्विड सैंपल होता है और हाईली प्रेशराइज सैंपल इज देन सिक्वेंस्ड पास्ट ए नीडल वॉल्व। एज द सैंपल पासिस थ्रू द वॉल्व द फ्लूइड एक्सपीरियंसेस शियर स्ट्रेस एंड डिकम्प्रेशन causing cellular disruption. The major components of a French press are made up of stainless steel to prevent the contamination. तो इसके अंदर होता क्या है? जो हाईली प्रेशर सैंपल है वो नीडल वॉल्व में से जाएगा, एंड नीडल वॉल्व में से जाके वो कहाँ से जा रहा है? नीडल वॉल्व से जा रहा है, और सैंपल वॉल्व में से जाएगा और स्ट्रेस और डिकम्प्रेशन देगा वो, और वॉल्व क्या हो जाएगी? डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। मेजर कंपोनेंट जो फ्रेंच प्रेस में हम स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं ताकि कंटामिनेशन गाइस कम से कम हो सके। उसके बाद ए फ्रेंच जो प्रेस है कॉमनली यूज टू ब्रेक द रीसाइलेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। फ्रेंच प्रेस का यूज़ किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल जो कि बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ने के लिए, ताकि सेलुलर कंटेंट हम बाहर निकाल सकें। वो सेलुलर कंटेंट प्रोटीन्स भी हो सकता है, अदर मटीरियल भी हो सकता है। द डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल्स इन ए फ्रेंच प्रेस जनरेट इनसाइड आउट मेम्ब्रेन vesicles which are required for many in vitro biochemical assays। जो disruption होगा cells का French press में, वो क्या generate करेगा? inside out membrane vesicles, जो किसके लिए चाहिए? in vitro biochemical assay के लिए चाहिए। the cell is typically chilled overnight before used to preserve enzymatic activities। अब जो cell को पूरी रात कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसको एंजाइमेटिक एक्टिविटी से बचाया जा सके। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है इस टेक्नोलॉजी के? डिसएडवांटेज ऑफ द प्रेस इंक्लूड दैट इट इज़ नॉट वेल सूटेड फॉर द प्रोसेसेस लार्ज सैंपल वॉल्यूम्स एंड इज समवट डिफिकल्ट टू ऑपरेट एज ए रिजल्ट ऑफ द लार्ज वेट ऑफ द सिंबली अबाउट 14 kg। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट इनपुट सेल वॉल्यूम मस्ट बी फ्री ऑफ लार्ज सेल क्लम्प्स। जो इनपुट सेल वॉल्यूम्स हम डाल रहे हो, ज़्यादा भारी नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी क्लम्प नहीं होने चाहिए। जो किसके लिए चाहिए? प्री प्रोसेसिंग स्टेप के लिए चाहिए, और जैसे कि बाय सोनिफिकेशन। अगर सेल क्लम्प्स आर नॉट रिमूव्ड
Prior to the processing, clogging of the valve occur. Unit must be cleaned thoroughly before the processing and continue. As a result, many protein purification lab हम use करते हैं, lysozyme enzyme का use करते हैं and sonification of sufficient and routine bacterial protein expression के लिए. Other technologies such as sonification and boll mills are available for many of the same purpose and have their own advantage and disadvantage. For example, sonification can generate higher shear forces that break the cellular DNA into small fragments. With a French press, the shear force can be carefully modulated by adjusting the piston pressure. The pressure provides a single pass through the point of maximum shear force, limiting damage to the delicate biological structure due to repeated shears occur on the disruption method. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम अदर टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ कर सकते, जैसे कि सोनिफिकेशन का, जिसमें हाई साउंड वेव्स ब्रेक कर देगी उसको, हाई शेयर फोर्स लेगी और ब्रेक कर देगी सेलुलर डीएनए को स्मॉल पीसेस के अंदर. दिस इज अबाउट द फ्रेंच प्रेशर सेल प्रेस.